और ये देखें नहा के बिल्कुल अच्छे से रेडी हो मैं आ गई हूं शावर लिया कपड़े है कपड़े चेंज किए हैं सन ब्लॉक लगाया सरमा पहना है लिपस्टिक लगा लिया हल्की सी और अब मैं बिल्कुल अच्छे से रेडी हूँ स्कूल जाना है बैग मैंने पहन लिया है और नाश्ता बस मैं थोड़ा सा करूँगी उसका मैं क्लिप शायद ऐड कर दूँ शायद ना करूँ वो तो आप लोगों का पता ही है मैंने एक रोटी और साथ में अंडा खाना होता ऑमलेट तो उसको शायद मैं ना ऐड करूँ स्कूल में देखूँगी अगर कुछ ऐड करने वाला हुआ जो कुछ ऐसा किया हैपनिंग हुई तो मैं ज़रूर ऐड करूँगी अदरवाइज़ मैं घर आके ही ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी स्कूल में इतनी परमिशन नहीं होती कि हम मोबाइल को यूज़ करें और वैसे भी हम सारा दिन क्लासेस में ही रहते हैं तो दैट्स वाई नॉट पॉसिबल तो उसके अलावा इंस्टाग्राम पे मैंने पिक्चर्स अपलोड किए हैं आप लोग जाएँ जाके उसको ज़रूर लाइक शेयर करें यहाँ पर मैंने लिंक भी दिया हुआ है तो जाएँ जाके लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करें तो अल्लाह हाफ और यहाँ पे ये है जी रमज़ान से पहले का लोग भाई और भाभी की थी एनिवर्सरी ट्वेंटी मार्च को ट्वेंटी थर्ड मार्च को रमज़ान स्टार्ट हो गया था मेरे पास व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा कटी हुई थी इट्स मेन कंटेंट बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ हुआ था तो मैंने सोचा कि आज आठवां रोज़े का तो मेरे ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं हो सका तो उसकी जगह पे हम ये वाला लगा सकते हैं तो वो बस जिस दिन ये मैंने शूट किया था या उस दिन मैं स्कूल जा रही हूँ मतलब नाश्ता वगैरह किया था तब रमज़ान ही स्टार्ट हुआ था तो बस सुबह सुबह उठी रेडी हुई और अब ये मैं जा रही हूँ स्कूल और आज मैंने जो है ना वो ये नाना ने मुझे वॉच गिफ्ट की थी जो मैंने ली हुई और पहनी हुई है और बस ये लीम आ गया और ये हम लोग जो है ना वो जा रहे थे और उसके बाद आप लोगों को बताना था कि जो मैं स्कूल से वापस आके ये मैं न पापा के साथ बाजार जा रही हूँ हुमा के लिए और न, नौमी के लिए हम मुझे हमें देना था गिफ्ट तो उनके लिए कपड़े लेने थे तो यहाँ पे देखिए मैं बाज़ार पहुँच गई हूँ और जिस शॉप से हम कपड़े लेते हैं हम वहाँ पे आ गए मतलब वहाँ से हम शुरू से हम वहीं से लेते हैं तो ये रही मैं और ऊपर से बाबा भी आ रहे हैं तो बस अभी यहाँ से जल्दी जल्दी से हमने ना कपड़े पसंद किए लेने के बाद ना लेकिन कपड़े पसंद इतना टाइम लग गया था ना हमें कि ना अच्छे से पसंद भी आ जाए और वो हम को भी पसंद आ जाए तो बस ये मैं खुलवा खुलवा के इतने देख रही थी इतने देख रही थी लेकिन ये तो कलर मुझे अच्छा लगा उसके बाद बस हमने ले लिया फिर और लेके हम चले गए शॉप पे पापा की और उधर से फिर मैं नौमी के साथ जो है ना चली गई दोबारा से आ, अलीम को भी एकेडमी से लेना था और साथ में हमें केक वग़ैरह भी बाई करना था ना तो ये शाम का टाइम हो ही चुका था तो मैं नम्मी और ना जो निकले शॉप से सीधा पहले ना हम मदीना कलोनी गए ना अलीम को पिक करना था उसकी अकेडमी से तो उसको छुट्टी नहीं हुई थी उसका काम बहुत ज़्यादा था क्योंकि अब ग्लास बड़ी हो गई है तो उसका काम ख़त्म नहीं होता तो फिर हम बेकरी चले गए तो बेकरी से ना केक पसंद करने गए हम बेकरी से काफी केक काफ़ी बड़े थे लेकिन आ, बड़े केक चाहिए नहीं चाहिए तो थे लेकिन उसके सेंटर में लिखवाने के लिए जगह नहीं थी और इस तरह के सिंपल लेने नहीं थे और ये सिंपल चॉकलेट थी लगी हुई तो इस तरह से ना कोई डेकोर किया हुआ केक इस तरह से चाहिए था तो वो मिल नहीं रहा था ना तो उन्होंने कह रहा था कि चलो मैं तो मैं मैं घर छोड़ देता हूँ तो दोबारा किसी और बेकरी से जा के पता करते हैं तो मैंने कहा चलें ठीक है फिर जब हम वापस गए ना तो दोबारा से ना जब हम वापस जा रहे थे रास्ते में एक और बेकरी नज़र आई तो वहाँ से फिर हमने जो है ना वो केक ले लिया था अब मैं उस बेकरी का यहाँ पर नेम भी मैंशन नहीं कर रही मैं कोई वो प्रमोशन शर्मोशन तो करती नहीं हूँ तो खैर बस मैं आप लोगों को ये दिखा सकती हूँ कि मैंने लिया था शायद आपको यहाँ पे मैं बेकरी का नेम भी कहीं वीडियोस बनाते वक्त शूट हो गया हो तो आप वो देख सकते हैं तो ये हम जब सेकंड बेकरी पे है ना तो यहाँ पे इतने मज़े मज़े के केक थे तो हमने ना एक बहुत छोटे साइज़ का केक ले लिया था ले और ना बस उसके ऊपर नेम लिखवाया उसके बाद ना मैंने कहा कि चो, केक छोटा लिया तो आप इसके साथ ना कप केक ले लेते हैं तो फिर हमने ना इसके साथ जो है ना कप केक भी ले लिए थे तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे ये वाले बहुत मजे के थे यमी यमी फ्रेश भी थे तो एक कैराम लिया था और दो चॉकलेट वाले ले लिए थे लेके हमने ना इनको भी पैक करवा लिया था सारा सामान हम पैक करवा के अच्छे से तो हम बिल वगैरह करवा के घर आए तकरीबन घर पहुँचे निकले और यहाँ पे ये देखें रात का टाइम था तो मैंने थोड़ी सी हल्की सी वीडियो शूट कर ली काम हम घर पहुंच गए उसके बाद खाना जो है ना वो घर में कुछ भी नहीं बनाया था मम्मा हाँ, ने ना पापा ने बाहर से ऑर्डर कर लिया था कढ़ाई कढ़ाई गोश्त बनवाया था बाहर से रोटियां भी बाहर से कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हर चीज़ आ गई थी और हम केक ले आए थे और बस बैठ के हमने सबसे पहले जो है ना वो दस्तरखान पर खाना लगाया खाना खाया वो मैं आपको आगे जो है ना वो दिखाती और ये रात में हमारे प्यारे प्यारे विहाड़ी की आप लाइटिंग चेक करें विहाड़ी में भी लाहौर से कम लाइटिंग नहीं है क्योंकि मुझे वैसे भी बाहर जाके थोड़ा सा रात को घूमना और एक्सप्लोरिंग करना मुझे बहुत पसंद है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कभी भी पापा के साथ अगर कहीं जाऊँ तो शाम के टाइम में मैं बाहर जाऊँ दिन के टाइम में ना इतना नहीं होता रात के टाइम में ना मुझे बस वैसे ही हम लोग बैठली से वापस आए हैं और घर आके ना मैंने अभी बर्तन वगैरह निकाल रही हूँ आज है हुमा और नोमी की हैप्पी एनिवर्सरी पे एक साल हो गया बीस 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 मार्च बीस मार्च है आज और तो बीस मार्च है इसलिए जाके केक वगैरह लेके आए हैं और खाने का ऑर्डर दिया हुआ बन के आ जाएगा रोटियां वगैरह सारी कोल्ड्रिंक्स ले आए मैं वीडियो शूट कर रही थी से ना मम्मा भी आ गई तो मम्मा कह रही रहने तो मुझे ना लो मैं ना अच्छी नहीं आऊँगी मैंने कहा नहीं आप अच्छी आओगी आ जाओ और वो मम्मा यहाँ पे लगी हुई थी और यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से ना अपना सारा दस्तरखान सेट किया और यहाँ पे जो है ना अजीम इसको मूड फातमा का दूध भी लगा रहा था ये देखिए प्यारी सी माशाल्लाह हमने इसको तैयार किया सब माशाल्लाह बोल दें और यहाँ पे इसको गुस्सा आ रहा था कि मेरी वीडियो क्यों बना रही है बस ये सारी चीज़ें और ये जो है ना कढ़ाई बन के आ गई थी वो और सब ने बैठ के जल्दी जल्दी से सब ने ना खाना खाया फिनिश किया और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ सबके खाने खाने के मंजरस और जब मम्मा ने सबको खाना सबको मम्मा डाल के देती है मम्मा ने डाला फिर मैंने हुमा ने हम सब ने जो है ना वो बैठ के मिल के खाया तो हम रेडी भी होगी थी यहाँ पर मैं आपको आगे दिखाती भी हूँ और इसके अलावा ज़्यादा कुछ हमने किया नहीं था पहले ये था कि सेलिब्रेशन अभी नहीं करनी लेकिन फिर मम्मा कहती कि नहीं आज ही कर लें तो फिर ये ऑर्डर दिया तो वो बन के आ गई थी और फिर हम केक वगैरह ले आए गिफ्ट्स ले आए और ये नम्मी और हुमा माशाल्लाह से बैठे सब माशाल्लाह बोल दें यहाँ पे अलीम अजीम वो ये यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ बहुत मज़ा आ रहा था उसके बाद खाना खाया अब कह रहे थे कि अब आप कैमरा बंद कर दो खाना खा रहे हो साथ में इन्होंने मूवी शूवी लगाई हुई थी खाना खाने के फ़ौरन बाद हमने बर्तन वगैरह उठाए और हम चले गए जी कमरे में और यहाँ पे ना सारे केक वगैरह आप देखे यहाँ पे सेट करके हमने रख लिए थे और ना यहाँ पे केक जो लिया ना वो भी फिर भी सिंपल था लेकिन उस बेकरी से अच्छा था चॉकलेट वाला था तो ये सब ने खा भी लिया था और इसका टेस्ट बहुत मज़े का था ये फ्रेश था जूसी था ये जो कप केक्स थे ये भी बहुत अच्छे थे तो बस यहाँ पे ना हमने स्टार्ट की हम लोगों की हैप्पी बर्थडे यहाँ पे ना मैं कुछ पिक्चर्स की क्लिप ले रही थी क्योंकि मुझे थंबनेल भी करना होता है थंबनेल के लिए पिक्चर लेनी होती है ना तो इस वजह से मैं थोड़ी सी ज़्यादा वीडियो शूट कर रही हूँ तो बस ये देखिए इनको माशाला से दोनों को बिठा दिया मम्मा ने और साथ में इन्होंने साथ ही बिठा दिया ताकि दोनों जो है ना वो तीनों आपस में बैठ के जल्दी जल्दी से केक कट कर ले तो नूर फातमा को तो अभी पता है तो है नहीं इतना खैर बहुत छोटी है लेकिन फिर भी इसका हाथ पकड़ के इन्होंने ना केक कट करवा लिया और बस और ज़्यादा कुछ नहीं किया फिर सब ने केक कट किया और सब ने खाया भी और यहाँ पे मैं ना हल्की सी ट्यून श्यून लगा दूँगी हमने तो यहाँ पे ना ज़्यादा और कुछ नहीं किया था केक ही कट करवाया और उन्होंने सब ने आपस में काफ़ी इंजॉय वगैरह किया और आगे बस फिर इनको ला के जल्दी जल्दी से गिफ्ट दे दिया शाम रात बहुत हो चुकी थी और हम थक गए थे क्योंकि मैं स्कूल गई स्कूल से आके दोबारा से फिर बाज़ार वगैरह गई तैयारी श्यारी की और ये मम्मा ने इनको ना कपड़े गिफ्ट कर दिए और ये ना खुश खुश भी हैं बाकी सारा कुछ ठीक है ना माशाल्लाह बोल हैं सब मैंने कहा चलो तुम दोनों इकट्ठे होकर बैठ जाओ मैं तुम लोगों की एक पिक्चर ले लूँ ताकि ना मैं अच्छा सा थंबनेल बना सकूँ तो बस फिर यहाँ पे नोमी ने सब को जो है ना वो केक काट के दिया और मैंने अपना ये कैराम वाला कप केक उठा लिया ये मैंने एक ही लिया था और अपने लिए लिया था और ने जो है ना वो दोनों का ले, एक एक क्या था मैं ले ले मैं स्कूल लेके और घर में भी तो बाकी सब ने जो है ना वो केक खा लिया था नेक्स्ट डे है रात बर्थडे से फ्री होने के बाद ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था मैं बहुत थक गई थी उसके अलावा रात साढ़े नौ हो चुके थे मैंने रेडी भी होना था सुबह स्कूल के लिए जाना था तो अब मैं रेडी हो गई हूँ स्कूल के लिए मैंने शॉवर लेके कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए ये देखे और बस मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ आपको अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और और क्या करना है इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें उधर वन थाउजेंट फॉलोअर्स कम्प्लीट होने वाले हैं इंशाल्लाह तो आप लोग में से जो नहीं फॉलो करता वो वहाँ जा भी फॉलो कर लें तो बस तो दुआ में याद रखिएगा कोई ब्लॉग में कोई मसी कोई ऐसी चीज़ जो नहीं अच्छी लग रही उसका आप कमेंट में बस मुझे बता सकते हैं जो अच्छी लगे उसके लिए अप्रिशिएट कर दें तो गुड नाइट सॉरी गुड नाइट ने अल्लाह हाफि